स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को ठीक करना, ये आयुर्वेद का मेन प्रयोजन है। आयुर्वेद का मेन उद्देश्य जो रोगी है उसको रोग से मुक्त करना ही नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको हमेशा कैसे स्वस्थ रखना वो है। आयुर्वेद के महान ऋषि और महान आचार्य, आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट और ऋषि सुश्रुत, इन लोगों ने 4000 साल पहले जो साइंस लिखा, वो साइंस आज के ज़माने में भी, जो मॉडर्न साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी उसे इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर जी हाँ फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल से और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल यानी कि दिनचर्या के बारे में। एक ऐसी दिनचर्या जिसको आयुर्वेद के ऋषियों ने हजारों साल पहले बताया है, और जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो लोग हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, अगर वो ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करें तो वो हमेशा रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेदिक दिनचर्या के बारे में। तो आइए देखते हैं आयुर्वेद के हिसाब से हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सूर्योदय यानी कि सनराइज होने से आधे घंटे पहले का समय। आप सोचेंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सूर्योदय होने से आधा घंटा पहले भी कोई उठता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सूर्योदय होने से आधा घंटा पहले ही उठे, लेकिन आप सूर्योदय होने से 10 मिनट पहले तो उठ ही सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से हमारा माइंड फ्रेश होता है। सुबह जल्दी उठने से शरीर में वायु की गति ज़्यादा होती है, वायु की गति नॉर्मल होती है और हमारी शौच क्रिया भी अच्छे से हो जाती है। अगर हम सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो एटलीस्ट हमें सुबह उठने का एक टाइम फिक्स तो कर ही देना चाहिए। आजकल के जो लाइफस्टाइल हम ज़्यादातर लोगों की देखते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो कोई 10 बजे उठता है, कोई एक ही इंसान है वो कभी 8 बजे उठता है, कभी 10 बजे उठता है, तो कभी 12 बजे उठता है। ऐसी लाइफस्टाइल हमारी नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम हमें हमारा उठने का एक समय फिक्स कर देना चाहिए। अच्छा, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो रात को ही इतना लेट आते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, जो लोग अपनी नाइट ड्यूटी से फ्री होकर जब घर पर सुबह आते हैं, जितने घंटे उन्होंने रात में जागे हैं, जितने घंटों उन्होंने रात को सोए नहीं हैं, उतने ही घंटे उनको दिन में जो सोना ज़रूरी है। अगर वो दिन में नहीं सोएंगे तो उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होगी। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि संडे का जो दिन है वो तो हम लेट उठते हैं। आपने कभी खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब संडे का दिन होता है और आप बहुत लेट उठते हैं तो वो संडे का पूरा दिन जो है वो एनर्जेटिक होने की जगह पे पूरा दिन आपका लेथार्जिक निकलता है। मतलब आप पूरा दिन सुस्ती में ही गुजारते हैं। आप जितना लेट उठेंगे दोस्तों उतना ही आपका दिन सुस्त रहेगा, और आप जितना जल्दी उठेंगे उतना ही आपका दिन अच्छा रहेगा। जितने भी दुनिया के महान साइंटिस्ट हैं, जितने भी दुनिया के महान लेखक हैं, वो सारे अर्ली राइजर्स थे। तो धीरे धीरे आपको ऐसा नहीं है कि आज के आज इस हैबिट को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन धीरे धीरे अपनी ऐसी आदत बनानी है कि आप अगर 8 बजे उठते हैं तो उसको 7 बजे करिए, 7 बजे उठते हैं तो उसको 6 बजे करिए, और धीरे धीरे ऐसी आदत डालें कि आप सूर्योदय होने से कम 10 मिनट पहले उठें। तो दिनचर्या का सबसे पहला जो स्टेप है वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, या सुबह जल्दी उठना। अब देखते हैं दिनचर्या का दूसरा स्टेप। दिनचर्या का दूसरा स्टेप है मुख शुद्धि और दंत धावन। दंत धावन, दंत यानी दांत और धावन यानी कि धोना। दांतों को शुद्ध करना, दांतों को धोना, उसे दंत धावन कहा जाता है। सबसे पहले उठने के बाद आपको अपने दांतों को शुद्ध करना है। दांतों के लिए आपको ज़्यादातर आज के ज़माने में हम टूथपेस्ट और टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है कि बबूल का दातुन और नीम का जो दातुन है वो हमारे दांतों के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए और हमारे ऑल ओवर ओरल कैविटी यानी कि हमारे मुँह के ऑल ओवर हाइजीन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब आप सोचेंगे कि हम दातुन कहाँ से लेके आएँ। दातुन जो है वो आप मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है, और अगर आप रोज़ दातुन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हफ्ते में एक दिन आप अवश्य यानी कि संडे का दिन ही पकड़ लें कि जिस दिन आप दातुन का प्रयोग करें।
और अपने बच्चों में भी, आपकी फैमिली में भी ये लीगेसी को पास करें कि आपके बच्चों के साथ आप संडे के दिन सब दातुन करें। दातुन किस तरह किया जाता है? दातुन जो होता है उसका आगे का जो पार्ट होता है, जो एक से डेढ़ इंच जितना पार्ट होता है आगे का, उसको अच्छे से चबा के दातुन किया जाता है। उसको अच्छे से मसूड़ों पे और दांतों पे रगड़ा जाता है, जिसकी वजह से मुंह में से आपके जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो खत्म हो जाते हैं। आपके मसूड़े और आपके दांतों का ऑल ओवर स्वास्थ्य बढ़ता है। दिनचर्या का तीसरा स्टेप दंत धावन के बाद है जिह्वा निर्लेखन, यानी कि सीधी भाषा में आपको बताऊं तो टंग क्लीनिंग करना। दातुन करने के बाद आपको अपनी टंग को क्लीन करना जरूरी है। टंग क्लीन करने के लिए आप अलग अलग धातु की, कॉपर वगैरह धातु का भी टंग क्लीनर यूज कर सकते हैं। आजकल के टाइम में एकदम कॉमनली जो चलता है वो स्टेनलेस स्टील का टंग क्लीनर चलता है। तो उस टंग क्लीनर से आप अपनी जीभ को अच्छे से साफ करें। उसको गुजराती में उल्यू उतारू ऐसा कहते हैं, यानी कि आपकी जीभ को क्लीन करना। आपकी जीभ को क्लीन करने के बाद आपको ठंडे पानी से गार्गल करना है और अपने मुंह को शुद्ध करना है, अपने मुंह को स्वच्छ करना है। दंत धावन के बाद अगला स्टेप है दिनचर्या का, वो है स्नेह गंडूस। स्नेह गंडूस करना यानी कि ऑयल से गार्गल करना। गंडूस यानी कि गार्गल और स्नेह यानी कि ऑयल। इसमें सबसे बेहतरीन तेल जो है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है तिल का तेल। आप तिल के तेल को लेकर उसको बिल्कुल थोड़ा सा गुनगुना गर्म करें और वो तेल को अपने मुंह में भर के थोड़ी देर तक इस तरीके से अपने पूरे मुंह में उससे गार्गल करते जाए। कम से कम 2 से 5 मिनट तक उसको मुंह में घुमाते जाए, उसके बाद आप उसको थूक दें। उस तरीके से करने से आपकी ऑल ओवर मुंह का जो हाइजीन है उसमें आपको काफ़ी इजाफा अच्छा महसूस होगा। आपके तिल का तेल है वो कृमिघ्न है, यानी कि कृमि का नाश करता है। आपके मसूड़ों को हमेशा मजबूत बना के रखता है। 40 साल की उम्र के बाद जो दांतों के बीच में गैप हो जाता है, या तो दांतों में जो कैविटी होती है कीटाणुओं की वजह से, वो कैविटी होने को भी रोकता है। आपके दांतों के बीच में गैप होने को रोकता है। आपके दांतों के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। आपके दांत हमेशा सफ़ेद और चमकदार रहेंगे और आपके मसूड़े जो है वो हमेशा मजबूत रहेंगे। आपके मसूड़ों की जो ब्लीडिंग गम्स की शिकायत है वो सारी शिकायतें नहीं होंगी। जिन लोगों को अपनी टंग के रिलेटेड यानी कि जीभ के रिलेटेड बीमारियां होती है, जैसे कि स्वाद नहीं आना, या तो जीभ में से लार का स्त्राव नहीं होना, ये सारी बीमारियां ना हो, उसी लिए आपको स्नेह के गंडूस का इस्तेमाल करना है। अब आप सोचेंगे कि इतनी बिजी लाइफ में हम स्नेह गंडूस रोज कैसे कर सकते हैं? अगर आप स्नेह का गंडूस या तिल तेल का गंडूस रोज नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हफ्ते में एक दिन आप स्नेह गंडूस को जरूर करें। हफ्ते में एक दिन भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम महीने में एक बार आपको स्नेह गंडूस जरूर से जरूर करना चाहिए। गंडूस करने के बाद दिनचर्या का अगला स्टेप है उषापान। उषापान का मतलब होता है कि पानी पीना। उषा का मतलब होता है सूर्योदय से पहले का समय, और पान मतलब पीना। सूर्योदय से पहले पानी पीना, उसे उषापान कहा जाता है। उषापान में किस तरीके का पानी पीना वो भी आयुर्वेद में बताया गया है। जो लोग पित्त प्रकृति वाले हैं उन्हें ठंडा यानी कि रूम टेम्परेचर का नॉर्मल वाटर पीना है, और जो लोग कफ या तो वात प्रकृति वाले हैं, या जिनकी बॉडी में कफ या तो वात दोष बढ़ा हुआ है, उन लोगों को हल्का गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। अब ये भी आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। आपको 1 ग्लास से लेके 3 ग्लास तक पानी सुबह खाली पेट पीना चाहिए। आयुर्वेद के महान ऋषि भाव प्रकाश ने छाती ठोक के ऐसा कहा हुआ है कि जो इंसान 8 अंजलि यानी कि 8 अंजलि पानी पीता है, मतलब 8 खोबे भर के जो पानी पीता है, वो 100 साल की जिंदगी जीता है। क्योंकि उसके पूरे स्पेशली उषापान का मकसद यही है कि सुबह इतना पानी पीने से आपका इंटेस्टाइन जो है, आपकी अतिड़ा जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। आपका अगले दिन का खाया हुआ मल पूरा का पूरा बॉडी से बाहर निकल जाएगा और पूरे दिन आपकी जठराग्नि अच्छी रहेगी। पूरा दिन आप अच्छा महसूस करेंगे। आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बिल्कुल ही नहीं रहेगी। तो हमें सुबह उठ के 1 से 3 ग्लास तक पानी पीना चाहिए। उससे ज़्यादा भी पानी नहीं पीना चाहिए, उससे कम पानी भी नहीं पीना चाहिए। रात को कॉपर की बोतल में, अगर आपके पास तांबे की बोतल है घर पे, कॉपर बोतल है, और अगर आप रात में उसमें पानी भर के रखते हैं और सुबह खाली पेट अगर ये पानी आप पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कॉपर एंटीबैक्टीरियल है,
एंटी कैंसरस है और वो पित्त का भी शमन करता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आपके खून को शुद्ध करता है और आपकी पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है। तो अगर कॉपर की बोतल में पानी भर के पिए तो आपके लिए बेहतरीन है। आयुर्वेद में हजारों सालों पहले कॉपर के बर्तन में पानी पीने का उल्लेख किया गया है। उषा पान के बाद दिनचर्या का जो अगला स्टेप है वो है शौच विधि। शौच विधि यानी कि स्टूल पास करना, मोशन करना। हर इंसान का शौच क्रिया का यानी कि मोशन का टाइम फिक्स होना चाहिए। आजकल की जो लाइफ है उसमें आप ज़्यादातर बच्चों को देखते हैं तो ज़्यादातर बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से थोड़ी देर पहले उठते हैं और तुरंत स्कूल भागते हैं। स्कूल से आने के बाद वो मोशन के लिए जाते हैं, वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपका बच्चा सुबह उठ के मोशन नहीं जाता है या तो आप अगर सुबह उठ के तुरंत मोशन नहीं जाते हो तो आपको 1 से लेकर 15 दिन इस हैबिट को डेवलप करने में लगेंगे। आपको 15 दिन तक रोज सुबह उठ के, आपको तकलीफ है तो आपको, अगर आपके बच्चे को तकलीफ है तो उसे आपको वॉशरूम भेजना है। 15 दिन के अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी और हमेशा ये नित्य आदत बन जाएगी कि आप सुबह उठेंगे और आपको मोशन पास हो जाएगा। सुबह उठ के शौच क्रिया होना, सुबह उठ के मोशन होना हमारी हेल्दी लाइफ के लिए और हेल्दी बीइंग के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद दिनचर्या का जो अगला चरण है, शौच क्रिया के बाद आयुर्वेद में बताया गया है कि अभ्यंग करना। अभ्यंग का सादा अर्थ होता है मालिश करना। आप तिल के तेल की मालिश पूरे बदन पे कर सकते हैं। अभ्यंग करने से आपकी स्किन में, आपके मसल्स में जो पेन होता है, मसल्स में जो वायु बढ़ा हुआ होता है वो निकल जाता है, मतलब मसल्स पेन में आपको रिलीफ महसूस होता है, आपकी हड्डियां मजबूत होती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। रेगुलर अभ्यंग करना ये हमेशा जवान रहने के लिए किया जाता है। जो लोग एंटी एजिंग में मानते हैं, जिन लोगों को हमेशा स्वस्थ, मजबूत और जवान रहना है, उन लोगों को हमेशा अभ्यंग करना है यानी कि तेल की मालिश करनी है। जो लोग ज्वर से पीड़ित है यानी कि जिन लोगों को बुखार आया हुआ है या जिन लोगों को कमजोरी या वीकनेस लग रही है, वैसे लोगों को अभ्यंग करना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है और आप रोज अभ्यंग नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में कम से कम एक बार आपको अभ्यंग जरूर करना चाहिए। हफ्ते में एक बार भी अगर आप अभ्यंग करते हैं तो शरीर में बढ़े हुए वात दोष का शमन होता है। तो हमारा अगला स्टेप था अभ्यंग। अभ्यंग के बाद दिनचर्या का जो अगला स्टेप है वो है व्यायाम। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। आप, मैं और सब जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, बैठने वाला जीवन जीते हैं, उन लोगों में बीमारी का प्रमाण एक्सरसाइज करने वाले लोगों के प्रमाण कंपैरिजन में देखने जाए तो 10 गुना ज़्यादा होता है। क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो आपके शरीर में बढ़े हुए आम को और बढ़े हुए दोषों को निकाल देता है। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में तीनों दोष बैलेंस होते हैं, आपकी पाचन क्रिया इंप्रूव होती है, पेट में पड़े हुए अन्न का पाचन हो जाता है, मतलब दीपन और पाचन दोनों होता है। उसके बाद एक्सरसाइज करने से जो लोग कितना भी खाना खा ले, कोई अनसन भी खाना खा रहा है, कैसा भी खाना खा रहा है, लेकिन अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका हर टाइप का खाया हुआ खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप जिम में जाके वर्कआउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप, व्यायाम में आप चलने के लिए गार्डन में जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। आजकल ऐसा हो गया है कि हमारे बच्चे हैं वो बाहर जाके वॉक नहीं करते हैं, हमारे बच्चे पूरा दिन टीवी और मोबाइल में बैठे रहते हैं। तो आप अपने बच्चों को लेकर जाइए गार्डन में वॉक करने के लिए जाइए, उनकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी, उनका भी व्यायाम हो जाएगा, आपका भी व्यायाम हो जाएगा और पूरे परिवार की ये आदत डालनी है। व्यायाम हमारे शरीर के लिए सबसे हेल्दी हैबिट है और आयुर्वेद में हजारों सालों से ये बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक्सरसाइज इज द की टू बिकम हेल्दी। हमारी जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, वो हमेशा हेल्दी रहने की गुरु चाबी है। व्यायाम करने के बाद आयुर्वेद की दिनचर्या में अगला स्टेप बताया गया है स्नान। स्नान करना यानी कि बाथ लेना। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि आपको व्यायाम करने के बाद बाथ लेना चाहिए। बाथ लेना वो हमारा दिनचर्या का आखिरी स्टेप है। स्नान हमें कैसे पानी से करना चाहिए? स्नान हमें बहुत ठंडे पानी से या बहुत गर्म पानी से नहीं करना चाहिए। स्नान हमें ल्यूकवॉर्म वाटर यानी कि सुखोष्ण जल से, जितना आपकी बॉडी, आपकी स्किन सहन कर पाती है उतने वैसे गर्म पानी से आपको स्नान करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको हमारी दिनचर्या के बारे में बताई। दिनचर्या एक बहुत बड़ा अध्याय है, इसके आगे भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आज के इस ज़माने में पॉसिबल हो या ना हो, इसीलिए मैंने आपको जो 7-8 चीज़ें बताई है, अगर हम इतना भी सुबह उठकर कर लेते हैं और उसके बाद हम हमारी रेगुलर लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़ते हैं
तो भी हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब मैं आपको 3-4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपको डेली करनी है या आप डेली कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ में और ज़्यादा इजाफा होगा। रोज रात को सोने से पहले मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल को गर्म करके उसकी 3-4 बूंदें अपने दोनों कानों में डालनी है। ऐसा करने से आपके कानों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपको बहरापन की बीमारी कभी भी नहीं आएगी। आपकी कान की सुनने की क्षमता हमेशा के हमेशा बनी रहेगी। रोज सुबह उठ के आपको त्रिफला वाले पानी से अपनी आंखों को धोना है। रोज रात को सोने से पहले थोड़े से पानी में आधी चम्मच त्रिफला पाउडर को मिला के छोड़ दे। सुबह उठेंगे तो पाउडर नीचे बैठ गया होगा, उसके ऊपर का जो पानी है उससे अपनी आंखों को धोएं। और रोज रात को सोने से पहले गाय के घी को गर्म करके उसकी 2-2 बूंदे नाक में डाल के उसका नस्य हमेशा करें। ऐसा करने से आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। और हमेशा एक दिन छोड़ के एक दिन, और अगर हो सके तो हर रोज अपने बालों में तेल लगाएं। बालों में आप तिल का तेल लगाएं, वो सबसे श्रेष्ठ है। नारियल का तेल भी आप बालों में लगा सकते हैं। अपने बालों में तेल डालिए, ये आपके बालों को पोषण देता है और आपके सर के जो मसल्स है उसको भी रिलैक्स करता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को बिल्कुल दूर करता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइएगा। हमारा YouTube चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल, उसे ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल का वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको रोग मुक्त करने के लिए तैयार है। अरे देर किस बात की, जब हम होंगे साथ तो रहिए बेफिक्र आप। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। कॉल नाउ 7575098494 या 9879428494। 116-117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।